दोस्तों, क्या आप भी वाटर पंप का बिजनेस करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टेप बताए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंटर देख रहा अब आप मेरी बात सुनोगे क्यों, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे स्टार्टिंग में बता दूँ, मेरे 6 दुकान है, इसमें से वाटर पंप का किलोसर का मैंने एजेंसी लिया हुआ है। और अब ज़्यादा चीज़ मत जानो, ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना। तो दोस्तों, अपने लाइफ का कुछ टाइम बचाकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, मतलब ये तरीका नहीं होगा, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, जिसमें आप जो ये स्टेप रहेगा ये आपको मदद करेगा कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली खोले और उसको अच्छे से रन कर सके। तो पूरा डिटेल में मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, हो सकता है अगर थोड़ा सा लंबा बन जाए तो देख लेना, छोड़ कर मत जाना, वरना आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड करो सबसे पहले एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा कंपनी सेलेक्ट करो। एक अच्छे मोटर को ढूंढने में क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको उसका क्वालिटी देखना चाहिए कि क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसका अंदर का जो मटेरियल है वो क्या ओरिजिनल लगा हुआ है, सही सामान अंदर उस मोटर के अंदर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हो? सबसे पहले तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हो, बेस्ट कंपनी मोटर रिलेटेड। ठीक है, इससे ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रिलेटेड, मतलब नॉलेज मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो कि कौन सा मोटर बेस्ट होता है, उसके अंदर कौन सा सामान लगा होता है, कौन सा मटेरियल अच्छा रहता है। जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लोगे, क्वालिटी एक बार चेक कर लोगे, उसके बाद इसी में आपको चेक करना है कि क्या इसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी बढ़िया है या नहीं बढ़िया है। देखो, अगर एक बार मोटर कोई कस्टमर आपसे लेकर जाता है और वो ख़राब हो जाता है, फिर मान लो गारंटी तो होगी या वारंटी होगी, अब वो फ़ोन मिलाता है कस्टमर केयर पर, लेकिन कस्टमर केयर वाले उसकी सुनती नहीं है, सुनते भी हैं तो आते नहीं हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, या कोई बेफालतू का काम करते हैं, या आते भी हैं तो कोई सुन, मतलब बनाते नहीं, कुल मिला के काम अच्छे से नहीं होता है। तो वहाँ पर जो आपका कस्टमर होता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है और दोबारा तो वो आपके दुकान पे नहीं आने वाला है। तो कस्टमर सर्विस आपको चेक कर लेना है, क्वालिटी आपको चेक कर लेना है, उस ब्रांड का इमेज भी आपको चेक करना है। देखो, कभी कदार क्या होता है कि जो एक ब्रांड का प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बढ़िया होता है और उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी बढ़िया होता है, लेकिन एक मार्केट में जो इमेज होती है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में कंपनी है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनका इमेज नहीं बढ़िया है, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अब उसकी इमेज बढ़िया नहीं है इसलिए लोग उसको ख़रीदते नहीं हैं। तो एक बार आप जो भी प्रोडक्ट को लाने वाले हो, जिस भी चीज़ को आप सेल करने जा रहे हो, उसका एक बार मार्केट इमेज भी चेक कर लो कि क्या मार्केट में लोग उसको अच्छा समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। ना आपके नज़र में वो अच्छा हो, लेकिन आपके कस्टमर के नज़र में वो अच्छा नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पहले स्टेप में चेक कर लेना है। तो गाइस, दूसरा स्टेप है हमारा, आपको अपने मार्केट को एनालाइज़ करना है। अपने मार्केट को एनालाइज़ करने में दो चीज़ें आती है। सबसे पहले तो आपको अपना एक अच्छा सा मार्केट प्लेस चूज़ कर लेना है, जो हमारा तीसरा स्टेप है, उसको मैंने इसी दूसरे स्टेप में ला दिया है। ठीक है, एक बढ़िया सा मार्केट प्लेस आपको चूज़ करना है, क्योंकि देखो, अब आपके जहाँ पर भी आपने स्टोर खोला, अब वहाँ पर ऑडियंस ही नहीं, यानी कि कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या आपका मोटर सेल होगा? नहीं सेल होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना मार्केट प्लेस चेक कर लेना है, और उसके बाद आपको कस्टमर भी देखना है कि जो वहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं वो किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं, क्या वो उनका जो बाइंग परचेसिंग पावर है वो ज़्यादा है या कम है, क्या वो उस ब्रांड के क्वालिटी को, उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो उसको खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी होगी। कैसे करनी होगी ये तो आपका काम है, ये आप अपने मार्केट के हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा। और बिना इसको एनालाइज़ किए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि दुकान मत खोलना। एक बार इसको एनालाइज़ कर लेना, इसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उसी हिसाब से आप अपना शॉप को खोल। अब तीसरा स्टेप आता है, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगा, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप लोग मुझे बता सकते हो पर्सनली भी कि मैं कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब दो टाइप के बिजनेस होते हैं, तीसरे स्टेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हो या रिटेल बिजनेस करना चाहते हो? अगर तो आप होलसेल में करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाकर उनसे एजेंसी ले सकते हो। थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करोगे, पैसा वगैरह लगेगा, मार्केट और सब सारी चीज़ें वो सब वो कर लेंगे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास कुछ अमाउंट कैपिटल होना चाहिए, और अगर आप होलसेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। होलसेल में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे मार्केट के आप ही एक होलसेलर होते हो, आपके पास एजेंसी होती है, तो आपके पास पूरा पावर होता है उस पूरे मार्केट का। तो अगर आप ऐसा गेम खेलना चाहते हो जिसमें पूरे मार्केट में कंट्रोल आपके पास हो, ठीक है, जो भी प्राइस आप दो उसी प्राइस में सारा काम हो, तो आप होलसेलर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्केट में ऑलरेडी होलसेलर बैठा हुआ है तो उसका आप कंपटीटर कैसे बन सकते हो?
इसका भी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे अपने होलसेलर का भी कंपटीटर बन सकते हो और उससे ज़्यादा आप सेल कर सकते हो, मैं बताऊंगा एंड तक देखना। लेकिन अगर आप लोग अब रिटेलर का दुकान करना चाहते हो, क्योंकि आपके दुकान में तो होलसेलर पहले ही है तो आपको रिटेल करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, जो भी वो होलसेलर है, ठीक है, मान लो जो होलसेलर आपके मार्केट प्लेस में जो भी होलसेलर है, वही प्रोडक्ट आपको भी, वही कंपनी आपको भी लाना है, क्योंकि आपने सर्च किया, आपने रिसर्च किया, कस्टमर वही कंपनी चाहता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी बढ़िया है, मार्केट में जो उसकी इमेज है वो भी अच्छी है, तब आपको रिटेल बिजनेस खोल लेना है। आप किसी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाकर उस जो भी मोटर है उसको लाकर रख सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अब इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप कैसे अपने कंपटीटर को हरा सकते हो, कैसे उससे ज़्यादा कमा सकते हो, होलसेलर से ज़्यादा कैसे कमा सकते हो। वैसे इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है। ऑनलाइन स्टोर खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप फ्रीलांसिंग आप बंदे हायर कर सकते हो, वो आपके लिए वेबसाइट बना लेंगे, वो आपके लिए काम भी करेंगे। स्टार्टिंग में आप अपने किसी दोस्त को भी देख सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए फ्री में काम करेगा उसको आप पार्टनरशिप पे ला सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन वो संभालेगा, ऑफलाइन आप संभालोगे, और जो प्रॉफिट्स लॉस है वो शेयर हो जाएंगे अपन जिस भी हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑनलाइन क्या होगा, देखो, जो भी वो आपका होलसेलर होगा वो ऑनलाइन नहीं जाएगा, वो सिर्फ मार्केट प्लेस पे ही देखेगा, ठीक है, वो अपना ही जहाँ पर भी इसका होलसेलर है वो वहीं पर रहेगा। लेकिन आप रिटेलर हो, आप ऑनलाइन जा सकते हो और ऑनलाइन जो भी आपके पास वाटर मोटर है उसको आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हो, उसका ऐड करवा कर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। देखो, जो वो होलसेलर है ना वो सिर्फ उसी मार्केट प्लेस में सेल कर सकता है, लेकिन आप एक रिटेलर हो, आपने एक ऑनलाइन साइट बनाई है, वहाँ पर आपने वाटर मोटर को फिट किया है, वहाँ पर अपना लिस्ट कर दिया है, प्राइस भी आपने अच्छे खासे, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं, एक अच्छे मार्जिन पे आपने वहाँ पर लिस्ट कर दिया है, और उसको आप पूरे वर्ल्ड में, अगर आप पूरे वर्ल्ड में करना चाहते हो ना, तो आप पूरे भारत में, और भारत में भी नहीं करना चाहते हो तो आप अपने स्टेट में, अपने सिटी में सेल कर सकते हो ऑनलाइन। क्या करना है, आपको ऐड चलाना है, लोग देखेंगे और उसको बाय करेंगे, तो इससे आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है और आप कंपटीटर से ज़्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और ज़्यादा जब क्वांटिटी में सेल होगा तो अगर मार्जिन कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्वांटिटी आप ज़्यादा सेल। देखो, इसके बारे में ज़्यादा बताना चाहता हूँ मैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं। ये स्टेप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या करना है, आपको अपने स्टोर को डेकोरेट करके रखना है, यानी कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पर चढ़ता है तो उसको एक फील होना चाहिए कि हाँ, मैंने वाटर पंप लेने आया हूँ। देखो, आप कभी कदार जब किसी, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, जैसे आप पिज्ज़ा हट में जाते हो, डोमिनोज में जाते हो, केएफसी में जाते हो, मैकडॉनल्ड पर आते हो या स्टारबक्स में जाते हो, तो आपको वहाँ उसी टाइप का फील होता है। जैसे कि अगर आप पिज्ज़ा खाने जाते हो तो आपको पिज्ज़ा के ही जो स्मेल होती है वो चारों तरफ आ रही होती है, इससे आपका जो खरीदने का पावर है ना और इंटेंस हो जाता है कि हाँ, मैं पिज्ज़ा खाऊंगा। आप जब कॉफ़ी खरीदने जाते हो स्टारबक्स, उसी टाइप की स्मेल आपको आती है, ठीक है, स्टारबक्स में जाओगे तो कॉफ़ी की ही स्मेल आएगी। वैसे ही आपको अपने स्टोर को भी उसी टाइप का डेकोरेट करके रखना है कि जब भी आपका कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आए तो आपको उसी टाइप का फील हो कि हाँ, वाटर पंप खरीद रहा है। अब ये कैसे कर सकते हो, ये आपके क्रिएटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच सकते हो, कैसे अपने स्टोर को डेकोरेट कर सकते हो। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो बहुत सारे लोग मार्केट में पड़े हुए हैं जिनको आप पैसा दोगे तो वो भी आपके लिए इतना काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हो, पैसे को बचाना चाहते हो, तो मैं तो कहूँगा आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप बंदे हायर कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चले, या जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्यों करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस, और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो, वीडियो बहुत ही जल्द आ जाती है, आपको पता है, ठीक है, मिलता हूँ।